जल्द ही रियलिटी शो डांस दीवाने सीजन 3 टीवी पर आने वाला है। जैसे ही बिग बॉस खत्म होगा, ये डांस रियलिटी शो लोगों का मनोरंजन करने के लिए हाजिर हो जाएगा। इस शो के अब तक कई प्रोमो रिलीज हो चुके हैं। आइए आज आपकी खास मुलाकात करवाते हैं धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित से, जो डांस दीवाने के लॉन्च पर पहुंची। सीधे चलते हैं माधुरी दीक्षित के पास और उन्हीं से जानते हैं कि डांस दीवाने सीजन 3 को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि काम फाइनली शुरू हो गया है। डांस दीवाने के ऑडिशंस होने वाले हैं और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग ऑल द कंटेस्टेंट्स। हमारा शो एकमेव शो है जिसपे जनरेशन 3 होती है रियलिटी शोज में, और ये जनरेशन 3 को देखने भी मैं बहुत उतावली हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डांसिंग यू नो आफ्टर सर्टेन एज इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाते हैं वो नहीं कर पाते, लेकिन जब से डांस दीवाने सीजन 1 आया है तब से बहुत से लोग वापस जा रहे हैं डांसिंग पे, और उनको देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। और इस बार हमारे एक जज चेंज हो चुके हैं, धर्मेश आने वाले हैं और राघव होस्टिंग करने वाले हैं। दोनों ही बेहतरीन डांसर्स हैं और हम सब चारों जो 3 जजेस और एक होस्ट जो है वो सब डांस दीवाने हैं। और इस बार डांस दीवाने में और एक बदलाव है कि सिंगल और डुओज नहीं, सिर्फ ट्रियोज भी होंगे, ग्रुप्स भी परफॉर्म करने वाले हैं, तो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है ये सीजन। अर्जुन मिजलानी को कितना मिस करोगी, बिकॉज़ आप दोनों का जो इक्वेशन रहा है ऑडियंस से बहुत मतलब इतनी मस्ती करते थे कि जब भी अर्जुन चाहता था डांस करने के लिए वो हमेशा राखी का गाना बजा देते थे। तो ऑफकोर्स आई एम गोइंग टू मिस शशांक, बिकॉज हम लोग हमेशा मूवीज़ के बारे में डिस्कस करते थे, स्क्रिप्ट और क्या हो रहा है, कौन सा गाना अच्छा है, लेटेस्ट गाना कौन सा अच्छा है, ये सब। तो आई एम गोइंग टू मिस ऑल दैट। One thing that impressed you, you know, जब आप किसी contestant को perform करते देखे, that one thing that you noticed the first. Well, एक तो वो कितनी समझ है डांस की, क्योंकि डांस बॉडी से होता है लेकिन फेस से भी डांस होता है, और वो कितना समझ है कि कौन से मूवमेंट में कौन सा एक्सप्रेशन देना है, कब उसे सॉफ्ट करना है, कब उसे लाउड करना है, ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत कंट्रीब्यूट करती है एक अच्छे परफॉर्मेंस को। और कभी कभी एक एक्स फैक्टर होता है जो हम बता नहीं सकते कि क्यों ये डांस बहुत अच्छा लग रहा है, वो जो एक्स फैक्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी मैम, इस बार कोविड की वजह से ऑडिशन नहीं हुए, तो वो ऑडिशन का पूरा माहौल जो होता है सब जजेस के सामने, वो कितना मिस किया जाता है? वेल, ऑडिशंस होने वाले हैं और यहाँ पे हमने सोशल बबल बनाया हुआ है, सब टेस्टेड होंगे कोविड के लिए, और मतलब पूरे प्रिकॉशंस लेके हम लोग ये सब कर रहे हैं, तो आई एम श्योर बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। मैम, जैसे कि हम देख रहे हैं कि डांस में बहुत सारे वेरिएशंस आ रहे हैं, नए नए फॉर्म्स आ रहे हैं, तो आप कैसे अपने आप को अपडेटेड होते हैं नए नए फॉर्म्स के बारे में? वेल, कभी कभी क्या होता है कि जब मैं डांस दीवाने पे जाती हूँ, बैठती हूँ, कोई कंटेस्टेंट आता है, वो डांस करता है, तो पता चलता है अरे ये कोई नई स्टाइल चली है अभी, तो फिर उस स्टाइल के बारे में हम इंक्वायर करते हैं कि क्या स्टाइल है ये और कैसे कहाँ से आई, तो कभी कभी सरप्राइजेस भी मिलते हैं सेट पे हमें। लास्ट 2 क्वेश्चंस, आपके अंदर के आर्टिस्ट ने कितना मिस किया ये पैंडेमिक में, घर पे बैठना पड़ा हम सबको, यू नो, तो आपके अंदर के आर्टिस्ट ने कितना मिस किया सेट्स को? वेल, मैंने बहुत कुछ किया इस लॉकडाउन में, घर से ही किया, जैसे कुकिंग बहुत सारी की हमने, मेरे बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, मेरी मम्मी रहती है हमारे साथ, उनके साथ एज अ फैमिली हमने बहुत टाइम स्पेंड किया इस लॉकडाउन में, लोगों के लिए बहुत कुछ किया। एक अपॉर्चुनिटी मिली इस बार मेरी जो ऑनलाइन अकेडमी डांस विद माधुरी, उसके थ्रू भी हमने बहुत सारे फ्री क्लासेस किए ताकि लोग एंगेज रहें, उन्हें करने के लिए कुछ मिले, दे कैन लुक फॉरवर्ड टू डूइंग अ डांस और लर्निंग अ डांस, बहुत सारे फ्री क्लासेस किए हमने उस पर। और मैंने एक गाना रिलीज़ किया अपना जो इंग्लिश में मैंने गाया था, और वो फ्रंटलाइन वर्कर्स को आई हैड डेडिकेटेड इट, क्योंकि आई एम सो प्राउड ऑफ देम कि ऐसे मुश्किल मौके में अपने घर वालों से दूर रह के, उन्होंने बच्चों से दूर रह के, छोटे छोटे बच्चों से दूर रह के अपनी जान पर खेलकर उन्होंने सबको सबके लिए किया, तो उनके लिए किया था। और तो ऐसे मैंने बहुत सारा कुछ किया, घर से ही किया। मैम, आपकी स्टाइल इस बार में क्या पर्सनल इनपुट्स रहने वाला है, बिकॉज़ इट हैज बीन इंस्पिरेशनल, यू नो, जब भी ऑडियंस आपको देखती है। स्टाइल किस में देता है? आउटफिट्स। हाँ, वी आर गोइंग टू डू अ लिटिल एक्सपेरिमेंटिंग विद द आउटफिट्स। मैं चाहती हूँ इस बार मैं कुछ अलग, यू नो, क्या कहते हैं उसको,
अलग स्टाइल्स पहनूं, कुछ साड़ीज हो या चाहे वो घाघरा हो या कुछ भी हो, कि थोड़ा सा उसमें कुछ अलग सा कुछ पेश करूं। लास्ट डन। और लास्टली मैम, ऑडियंस को अगर कुछ मैसेज देना हो तो क्या होगा? बस यही कहूंगी कि प्लीज़ आप डांस विद सर डांस विद प्लीज़ आप डांस दीवाने सीजन 3 ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। ग्रुप्स भी होने वाले हैं, इंडिविजुअल्स, डुओज, ट्रियोज और जनरेशन 1, 2 और 3 भी है, और 3 भी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है इस बार। सो प्लीज़ आप सब घर के लोग हैं, जो छोटे बच्चे से लेके जो नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, सब आप देखिए हमारा शो, आप बहुत एंजॉय करेंगे।